अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू प्रेप 5+। जी बच्चों, सफ़र नंबर 94 पर हम शुरू करने जा रहे हैं हरूफ तहजी। हरूफ तहजी पढ़ते हैं अलिफ, अलिफ मद अ, ब, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटिए, भड़िए। हरूफ़ तहजी के बाद हमारे पास मौजूद है बारी आवाज़ वाले हरूफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हरूफ़ तहजी की है दो चश्मी है के साथ दोस्ती करवा दी गई है। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ळ, ख, घ, ल, म, न। इसके बाद हमारे पास मौजूद है हरूफ़ इल्लत यानी आ, ओ, ई, ए। हमें इसको क्या करना है, ये इनको मसवते भी कहा जाता है, तो हम इसको अलीफ, वाव, छोटिए, बढ़िए के बाद हमें आ, ओ, ई, ए भी इसको पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे सफ़ा नंबर 95 की तरफ। सफ़ा नंबर 95 पे हमारे पास मौजूद है हरूफ की इब्तदाई शकाल, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ हदायत हैं जो साजा के लिए हैं। अल्फाज बनाने के लिए हरूफ की इब्तदाई शकाल इस्तेमाल होती है, बच्चों को इनकी पहचान करवाएँ। अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, ये, वाओ, हमज़ा वगैरह वो हरूफ हैं जिनकी इब्तदाई शक्ल नहीं होती। ये मुकम्मल शक्ल के साथ मुख्तलिफ लफ्ज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बे मौजूद और ये है बे की इब्तदाई शक्ल, इसको हम ब भी पढ़ सकते हैं आवाज़ों के साथ। पे यानी प, ते, त, टे, ट, से, स, जी, ज, चे, च, हे, ह, खे, ख, सीन, स, शीन, श, स्वाद, स्व, ज्वाद, ज, तोए, त, जोए, ज, आइन, अ, गैन, ग, फे, फ, काफ, क, काफ, क, गाफ, ग, लाम, ल, मीम, म, नून, न, हे, ह, ये, य। जी बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको हरूफ़ तहजी, भारी आवाज़ वाले हरूफ, हरूफ़ इल्लत और हरूफ़ तहजी की छोटी और बड़े इशकाल की आवाज़ें समझ में आ गई होगी। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।